हेलो एवरीवन, आई एम राहुल कुमार प्रजापति एंड यू आर वाचिंग एसएसटी पैराडाइज अचीवर्स। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ आइडियाज ऑफ रॉबर्ट ओवेन। एज यू नो इन प्रीवियस चैप्टर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सोशलिज्म एंड पीपल हु केम विद दिस आइडियाज दे वेयर रॉबर्ट ओवेन, लुईस ब्लैक, कार्ल मार्क्स लाइक दैट। यही वो लोग थे जिन्होंने सोशलिज्म का आइडिया जो है रशिया में लेके आए। तो ही स्टार्ट टू बिल्ड द कोऑपरेटिव कम्युनिटी। उन्होंने ये आइडिया दिया कि एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेनी चाहिए जहाँ पर सभी लोग आकर के वर्क करें और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को सारे लोगों में इक्वली डिवाइड किया कर दिया जाएगा। वैसे होता क्या था इसके पहले, सोसाइटी ऐसी बनी हुई थी, सोसाइटी का चयन ऐसे बना हुआ था कि उसमें केवल राजा इंडिविजुअल जो है किसी एक व्यक्ति की कंपनी होती थी या इंडस्ट्री होती थी, उसी में सारे लोग आकर के वर्क करते थे और वर्क करने के बाद जो मेन प्रॉफिट का जो मेन हिस्सा था वो किसी एक इंडिविजुअल के पास पहुंच जाता था और बहुत कम हिस्सा जो है गरीबों के पास पहुंचता था। इस तरह से पुअर्स वेयर वेरी वेरी पुअर एंड द प्रॉपर्टी ऑनर्स, इट मीन्स ऑनर्स वेयर बिकेम वेरी वेरी रिच। इस तरह से अमीर और अमीर होते जा रहे थे और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। तो इसी आइडिया को जिन लोगों ने समझा उनमें रॉबर्ट ओवेन का नाम आता है, लुईस ब्लैंक का नाम आता है, कार्ल मार्क्स का नाम आता है। तो उन लोगों ने इसका विरोध किया था। ही वांटेड टू ब्रिंग न्यू हार्मोनी इन इंडियाना यूएसए। वो न्यू इंडियाना यूएसए में एक नई सद्भावना लेके आना चाहते थे। कैसे? ट्रू कलेक्टिव इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव, यानी लोगों का ग्रुप हो और सभी लोग एक फैक्ट्री में काम करें और जो प्रॉफिट होगा उसको बराबर इक्वली सभी में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सोशलिज्म का जो है मेन मोड होता है। अब हम बात करते हैं लुईस ब्लैंक की, जिनका समय 1813 to 1882। ही सपोर्टेड गवर्नमेंट। ये इन्होंने भी वही सारी बातें बोली जो लुईस ब्लैंक ने बोली थी, बस इन्होंने गवर्नमेंट शब्द यूज किया था। गवर्नमेंट इन्होंने एक अधिकारी तौर पर एक बात की थी कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट हो ही जब तो वो सारी प्रॉपर्टी को अपने अधीन कर लेगी और उसके बाद एक इंडस्ट्री बनेगी और उसी इंडस्ट्री के सारे लोग काम करेंगे। इन्होंने गवर्नमेंट की बात नहीं की थी, इन्होंने कलेक्टिव इंडिविजुअल की बात की थी। ठीक है, कोऑपरेटिव्स की बात की थी, इन्होंने क्या बात किया था? गवर्नमेंट की। ठीक है, यही अंतर है दोनों में। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजेल्स, they added some more argument in the idea of socialism। उन्होंने इस socialism वाले idea में कुछ add किया था। क्या add किया था? such as industrial sector honors invested capital but the profit was produced by the worker। देखो होता क्या है, industry में कोई एक individual जो है अपना factory तो स्थापित कर देता है, उसको जो कैपिटल की जो जरूरत पड़ती है उसे उस कैपिटल को देने वाला तो केवल एक इंडिविजुअल ही होता है, लेकिन उसमें काम करने वाले बहुत सारे लेबर्स होते हैं और वो लेबर्स जब काम करते हैं तभी ना उस इंडिविजुअल्स को फायदा होता है, उस प्रॉपर्टी एनर्स को फायदा होता है। सभी को फायदा नहीं होता है, उसमें केवल इंडिविजुअल्स को फायदा होता है। तो इसी का विरोध किए थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, बट द प्रॉफिट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। प्रॉफिट इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गोज टू द ऑनर्स। कार्ल मार्क्स बिलीव दैट द वर्कर्स शुड कंस्ट्रक्ट द रेडिकल सोसाइटी। वो चाहते ही थे कि एक ऐसी सोसाइटी की रचना हो जाए जो इस तंत्र को उखाड़ फेंके, जो इस तंत्र को ही उखाड़ फेंके बाय ओवरथ्रोइंग द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी है उसको अपने अधीन कर लिया जाए, उसको अपने अधीन कर लिया जाए और उसके बाद जो सोसाइटी बने वो जो हो वो सोसाइटी होगी उसका नाम होगा कम्युनिस्ट सोसाइटी। ही फेवर्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी। थैंक यू।